चलिए 21। नासा के खलाई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चे वतन वापस पहुंच गए। टीडीएफ सेंटर में मुनाकिदा तकरीब में नन्हे साइंसदानों ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। हमना निसार की रिपोर्ट। अपनी जहानत से शानदार कारकर्दगी दिखाई तो नासा भी पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका बुलाने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान नासा में मुल्क का नाम रोशन करने के बाद वतन वापस आ गए। दाऊद फाउंडेशन मैग्नीफाई साइंस सेंटर की जानिब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए टीडीएफ सेंटर में तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। बंदा यूएस जैसे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे उसके अंदर नासा जाना एक बहुत ही बड़ा तोहफा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो अमेरिका के लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो यूएस एक नासा स्पेस कैंप से होके हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, यानी कि रॉकेट्स देखे, अपोलो 17, अपोलो 18, मर्करी 1, सैटर्न 5, ऐसे बहुत रॉकेट्स देखे। वहाँ पे हमने बहुत राइड्स भी ली। आई एम 11 इयर्स ओल्ड। जब हम इस स्टेम प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम विन करेंगे और हम नासा जाएंगे, लेकिन जब हम सेलेक्ट हुए तो हमें इतनी खुशी हुई और फिर हमें पता ही था कि अब हम नासा जाना है, तो हम सब तैयारियों के लिए लग गए थे। फिर हम जब वहाँ गए तो हमने बहुत सारे मिशन किए, गैलेक्सी स्पेस और सबको एक्सप्लोर किया। हमने लेक्चर अटेंड किया लाइट मून पे के, स्टार्स के, गैलेक्सी के, लाइक ब्लैक होल्स के हवाले से, एंड हमने 16 में हम वैसे जिसमें हमने मून की ग्रेविटी का अंदाजा हुआ, मून वॉक किया हमने। अब आपको पता है कि मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 1/6 है, तो हम उसमें जब बैठे तो हमें ऐसा लगा था कि हम मून पे वॉक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो था एरिया 51। एरिया 51 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की, लाइक हमने वुड प्लैंक पे हम चले, हमने उन पर डांस किया, हमने उन पर सिंगिंग की, इसके बाद हम स्विमिंग पूल एक्टिविटी में गए। अमेरिकन कॉन्सुलेट के पब्लिक अफेयर ऑफिसर ली मैकमैनस ने बताया कि कराची के 50 स्कूलों ने साइंसी प्रोजेक्ट पेश किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 24 तलबा को नासा की खलाई कैंप में शामिल किया गया। The United States partnered with the Dawood Foundation and the US consulate in Karachi. Funded a grant to the Dawood Foundation to promote STEM education in Pakistan. We, through this grant, 50 schools in Karachi participated. 100 teachers were selected to receive specialized STEM. The studio says, "Al-Wakhtatna." It broke your bath headlines.